हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बात करने वाला हूँ बीएसएनएल सिम के बारे में। आपको पता ही होगा कि मैंने बीएसएनएल का सिम लिया था, और बीएसएनएल का सिम लेने के बाद लगभग 1.5 महीने हो चुके हैं, और उसके एक्सपीरियंस के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। वीडियो पहली बार देख तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। आपको बता दूं कि बीएसएनएल का जो सिम है वो मैं 269 में लेकर के आया था, नया सिम लेकर के आया था दिल्ली से। जो द ईस्टर्न कोर्ट करके बिल्डिंग है, बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस है, जनपद मेट्रो स्टेशन 4 नंबर गेट के पास। तो उसका अगर मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊं तो बीएसएनएल का सिम लेने के बाद उसको एक्टिवेट करने का कोई ज्यादा मुझे दिक्कत परेशानी नहीं हुई, अपने आप ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गई थी। और मुझे वहां पे 3 दिन के लिए वेट करने के लिए कहा गया था, उसके बाद जो सिम है वो चालू हो गई थी। आपको बता दूं कि जो रिचार्ज वगैरह है वो अपने आप हो गया था। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात करूं तो जो नेटवर्क की अगर मैं बात करूं तो नेटवर्क जो है वो कभी कभी जो है वो परेशान कर देता है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कॉलिंग वगैरह के लिए, तो कॉलिंग वगैरह उसका ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेट के मामले में अभी जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया की बराबरी जो है वो बीएसएनएल नहीं कर पा रहा है दिल्ली की मैं बात करूं तो। और अगर कॉलिंग और एसएमएस वगैरह की बात करूं तो वो सब तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप कॉल लगाते हैं, मान लीजिए मैं बीएसएनएल के सिम में कॉल कर रहा हूँ वोडाफोन आइडिया या जियो से, यानी कि दूसरे नंबर से, बीएसएनएल वाले नंबर पर, तो कई बार क्या होता है कि आप ही की आवाज आपको वापस आती है। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कई बार लगता भी नहीं है, आप दोबारा ट्राई करते हैं उसके बाद लगता है। और उसके साथ साथ ही जब भी आप कॉल के दौरान आपको ऐसा लगता है कि आपकी आवाज जो है वो आपको खुद ही सुनाई दे रही है, यानी कि जो कॉल बैक सुनाई देता है वो, तो खैर कभी कभी एयरटेल, वोडाफोन, जियो में भी आप देखते होंगे कि ऐसा होता होगा। लेकिन नेट के मामले में बीएसएनएल जो है वो अभी फिलहाल टक्कर नहीं दे पा रहा है जियो, वोडाफोन, आइडिया को। उस तरह की सर्विस आपको नहीं मिल रही है। और दूसरी बात, जो कॉलिंग वगैरह है कई बार सिम लगता भी नहीं है। बीच बीच में जो बीएसएनएल का सिम है उसका नेटवर्क भी जाते हुए मैंने देखा कि कुछ अपने आप नेटवर्क चला गया था और फिर एकदम से आ गया, तो ये चीज भी हो रही है। और साथ ही साथ जो बीएसएनएल है उसको आप अगर कंटिन्यू यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो कॉलिंग करने, नेट करने, या नेट यूज करने या फिर एसएमएस करने, उसके मुकाबले अगर आप एयरटेल, वोडाफोन, जियो की अगर कंपेरिजन करेंगे तो बीएसएनएल अभी बहुत पीछे है। आप ये कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि सर्विस के मामले में थोड़ा सा अभी मात खा रहा है बीएसएनएल। लेकिन जिस तरह से अपडेट आ रही है, जिस तरह से नए टेक्निकल टेक्निक अपनाई जा रही है या टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, जैसा कि मैंने वीडियो भी बनाया था, वो लोग जो बीएसएनएल का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है या ट्विटर या इंस्टाग्राम, तो वहां पर आप देखेंगे तो उससे रिलेटेड कई सारे अपडेट्स भी आ रहे हैं कि वो अपनी सर्विस को बेहतर करने वाले हैं। एमटीएनएल और बीएसएनएल अब तो साथ मिलकर के ही काम करने लगे हैं, और आपको उसके जल्द ही जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं बात करूं तो बीएसएनएल के सिम अगर आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप परेशान होने वाले हैं, अगर आपको, क्योंकि आदत पड़ी है जियो, वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल की स्पीड में काम करने की, कॉल की, नेट की, जिस तरह से वो है उसके हिसाब से अगर आप बीएसएनएल को कंपैरिजन करेंगे तो आप थोड़ा सा दिक्कत आपको होने वाली है या परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है नेटवर्क के मामले में। अभी फिलहाल 1.5 महीने का एक्सपीरियंस जो है वो यही कहता है कि अगर अभी वेट, अभी तक सिम नहीं ली है आपने, तो आप इंतजार कर सकते हैं कि थोड़ा और अच्छा नेटवर्क हो जाए तो आप सिम ले सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि जो सिम है उसको लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया जो चीजें हैं वहां पर आपको उस चीजों को सामना करना पड़ सकता है नेटवर्क के मामले में, इंटरनेट के मामले में, और कभी कभी थोड़ा सा नेटवर्क का इशू भी रहता है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि सॉल्व होने हो जाएगा, जिस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है बीएसएनएल को लेकर के, बीएसएनएल के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके डिटेल में थोड़ा बता दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले, लोगों को भी पता चले। और आपके पास बीएसएनएल का सिम है तो आपने किस तरह से उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते हुए किस तरह का परेशानी या फिर अच्छाई जो है उसकी, या फिर ये कह लीजिए कि कोई भी परेशानी नहीं हुई, तो उसके बारे में भी डिटेल में कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। आप अगर क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो इंस्टेंट अप्रूवल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डिफरेंट बैंक के क्रेडिट कार्ड के, तो वो जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। @SadeTimes नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पर आ सकते हैं, वहां पर आपसे बातचीत हो सकती है। कुछ शेयर करना है या पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सादा टाइम्स ब्लॉग्स के नाम से एक यूट्यूब चैनल और है, जहाँ पे आपको ब्लॉग देखने को मिल जाता है, तो वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।